विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, इराक में अगवा हुए भारतीयों से अब तक संपर्क नहीं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इराक सरकार ने भारतीयों के अगवा होने की पुष्टि की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान, अगवा भारतीयों के लोकेशन का पता चला, हम इराक सरकार के संपर्क में। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा, भारतीयों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता, सहायता के लिए कंट्रोल रूम बनाएं। The government of India is giving the highest priority to the welfare, security and safety of our nationals. इराक से अपनी जान बचाकर वतन लौटे शख्स ने बयां किया अपना दर्द, कहा इराक में हालात बेहद खराब। इराक से लौटे युवक जुल्फिकार अब्बास ने कहा, भारत सरकार वहां फंसे लोगों को जल्द बाहर निकाले। स्थिति बहुत खराब है वहां की, क्योंकि इराक में यही सही टाइम है इंडियन गवर्नमेंट को भी एक्शंस लेने का, स्टेटमेंट देने का। यहाँ आके महसूस यही है कि बस जैसे हम वापस आ गए, हम भी यही दुआ करेंगे जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जो आना चाहते हैं, जिनके घर यहाँ पर हैं, वो भी उसी तरीके से सेफली जैसे हम लोग वापस आए वैसे वापस आ जाएं। जुल्फिकार अब्बास के मुताबिक इराक में तबाही मचाने वाले आतंकवादियों का बड़ा ग्रुप 40,000 की संख्या। कोई छोटे मोटे टेररिस्ट ग्रुप से या कोई 100-200 लोग नहीं है, 40,000 लोग जो इराक जो एंटर हुए हैं, क्योंकि वहां की हमने मिलिट्री से बात करी तो उसमें 25% पाकिस्तानी आतंकवादी भी हैं। इराक में अगवा 40 भारतीयों की रिहाई के लिए जुटी केंद्र सरकार, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा, नहीं बाकी रखेंगे कोई कोर कसर। सरकार की तरफ से हर संभव, और केवल संभव नहीं, जिसे कह सकते हैं ना कि हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। विदेश मंत्री ने कहा, व्यक्तिगत तौर पर रख रही हूं हालात पर निगरानी, भारतीय बंधकों को रिहा करने के लिए हो रही है बातचीत। मैं व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर कर रही हूं सारे के सारे प्रयास, और कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे अपने भारतीयों को राहत देने। विदेश मंत्रालय में बनाया गया कंट्रोल रूम, 011-2301-2113, 2301-7905 और 2301-4104 पर परेशान परिवार वाले कर सकते हैं बात। इराक सरकार ने अमेरिका से मांगी मदद, आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले की अपील की। पंजाब के कई परिवारों से लोग काम करने गए हैं इराक, कपूरथला के गांव मुरार में परेशान है बरजिंदर का परिवार। परिवार के मुताबिक बरजिंदर सद्दाम हुसैन के महल के पास कर रहा था वेल्डिंग का काम, 3 दिन से नहीं आया कोई फोन। अमृतसर के गुरविंदर का परिवार भी दहशत में, गुरुद्वारे में कर रहा है सलामत वापसी के लिए अरदास। बड़ा दुख है, अरे बच्चे वापस होंगे, मदद कर दे, मदद कर। अंबाला की कांता रानी ने कर्ज लेकर भेजा था बेटे को इराक, अब किसी तरह चाहती हैं सुरक्षित वापसी। कानपुर में भी एक बुजुर्ग पिता को अपने बेटे के घर लौटने की चिंता, 1 जून से इराक में फंसा है। घर वालों के मुताबिक 3 दिन पहले आखिरी बार फोन पर हुई बातचीत, उसके बाद से कोई खबर नहीं। इराक में फंसे भारतीयों के लिए वाराणसी में सलामती की दुआ, तालीम लेने गए जब्बादिया अरबी कॉलेज के 30 मुस्लिम छात्र इराक में फंसे। इराक में एट प्रेजेंट हमारे यहाँ के तकरीबन 30 से 35 लड़के तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो डिफरेंट शहरों के हैं इंडिया के। इराक में ताजा हालात पर कांग्रेस ने जताई चिंता, अंबिका सोनी ने कहा, ऐसा लगता है विदेश मंत्रालय सो रहा है। कोशिश ये होनी चाहिए थी कि कुछ समय पहले ही जहाज भेजकर हमारे लोगों को इवैक्यूएट करना चाहिए था। ये तो बहुत देर से एडवाइजरी भी इशू की गई, बहुत देर से, कि भाई अब आप इराक मत जाएं। अंबिका सोनी ने कहा, इस तरह के हालात रातों रात नहीं पनपते, विदेश मंत्रालय को पहले ही जागना चाहिए था। बिहार के राज्यसभा चुनाव में जेडीयू के 14 विधायकों की क्रॉस वोटिंग, लेकिन जेडीयू सूत्रों का दावा, दोनों सीट जीते। नतीजे का ऐलान होना बाकी, शाम 6 बजे तक नतीजे आने की उम्मीद। बिहार की 2 राज्यसभा सीटों के लिए वोटिंग, जेडीयू के पवन शर्मा और गुलाम रसूल बलियावी हैं उम्मीदवार।
जेडीयू उम्मीदवारों को अनिल शर्मा और साबिर अली से चुनौती, दोनों को है बीजेपी का समर्थन। वोटिंग के दौरान भिड़ी बीजेपी और जेडीयू की महिला विधायक, वोटिंग रूम के बाहर जमकर हुई तकरार। महाराष्ट्र में शिवसेना ने बढ़ाई बीजेपी की सिरदर्दी, कहा किसी भी स्थिति में शिवसेना का ही होगा मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र ने मन बना लिया, हमारे राज्य ने मन बना लिया है कि मुख्यमंत्री शिवसेना का हो, और शिवसेना ने मन बना लिया है महाराष्ट्र जनता के साथ कि मुख्यमंत्री पद नेतृत्व इस सरकार का उद्धव ठाकरे जी करें। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा सीएम उम्मीदवार के नाम मिल बैठ कर तय करेंगे। आज 44 के हुए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी, जन्मदिन पर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अपने जन्मदिन पर विदेश में है राहुल गांधी, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर उत्साह। हंगामे की भेंट चढ़ा, यूपी विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन कानून व्यवस्था को लेकर बीएसपी ने जमकर किया हंगामा। बीएसपी विधायकों ने सदन में जमकर किया हंगामा, अखिलेश सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। जो प्रमुख समस्याओं से संबंधित नारे थे, जैसे लटकती लाशें डाल में, अखिलेश तेरे राज में, विकास कार्य ठप है, अखिलेश सरकार पस्त है। दिल्ली में बिजली पानी को लेकर कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी, आज बवाना में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन, बीजेपी के साथ केजरीवाल पर भी निशाना। केंद्रीय गृह मंत्रालय में अब सभी कामकाज हिंदी में होंगे, बाबुओं को निर्देश सभी काम हिंदी में किए जाएं। सोशल मीडिया और इंटरनेट में भी हिंदी के इस्तेमाल पर जोर, जो बाबू हिंदी में ज्यादा काम करेंगे उन्हें इनाम। गृह मंत्रालय के आदेश में कहा गया सरकारी अफसर ट्विटर और फेसबुक पर हिंदी का इस्तेमाल करें। सभी अफसरों को निर्देश, सरकारी चिट्ठी और फाइल्स में कानूनी शब्दों को छोड़कर सरल हिंदी का प्रयोग करें। प्रधानमंत्री कार्यालय में पहले से ही हिंदी में हो रहा है काम, अब गृह मंत्रालय में भी हिंदी में होंगे सभी कामकाज। हिंदी में कामकाज पर डीएमके के मुखिया करुणानिधि ने जताया एतराज, कहा हिंदी को थोपने की कोशिश। तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री का बयान, हिंदी पर जोर देने के बजाय विकास पर फोकस करें मोदी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा हिंदी में कामकाज का मतलब क्षेत्रीय भाषाओं की अनदेखी नहीं। हमने ये कहा कि हिंदी का जो प्रमोशन है, क्योंकि वो हमारा राज्य भाषा है, तो राज्य भाषा होने के नाते हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए, हिंदी को आगे बढ़ावा देना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो वहाँ क्षेत्र की भाषाओं को हम अनदेखी कर रहे हैं। किरण रिजिजू ने कहा हिंदी हमारी राजभाषा, हमें हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए। प्रीति जिंटा मामले में आईपीएल के सीओओ का बयान दर्ज, बयान दर्ज कराने मरीन ड्राइव थाने पहुंचे थे सुंदर रमन। प्रीति ने अपनी शिकायत में कहा था जब नेस ने मेरे साथ बदसलूकी की उस वक्त सुंदर रमन भी थे वहां मौजूद। 3 दिन के अंदर मुंबई पुलिस को बयान देंगी प्रीति जिंटा, पुलिस ने किया था 7 दिनों का वक्त दिया था। विवाद के बाद पहली बार प्रीति जिंटा ने किया ट्वीट, शेयर बेचने की खबर को बताया अफवाह। मुंबई पुलिस ने नुस्ली वाडिया के घर बढ़ाई पेट्रोलिंग, नेस के पिता नुस्ली वाडिया को अंडरवर्ल्ड से मिली थी धमकी। दिल्ली के आदर्श नगर में बेसमेंट की खुदाई के दौरान हादसा, दीवार धंसने से कई मजदूर दबे, एक की मौत। हादसे में 3 मजदूरों की हालत गंभीर, सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। चश्मदीदों के मुताबिक आदर्श नगर मार्केट में चल रहा था बेसमेंट की खुदाई का काम, बेसमेंट के पास ऊंची इमारत। ग्रेटर नोएडा में मुआवजे को लेकर किसानों का भड़का गुस्सा, यमुना प्राधिकरण के दफ्तर पर बोला धावा, अधिकारियों को घंटों बंधक बनाया। हाथों में लाठी और डंडे लेकर दफ्तर पहुंचे थे इलाके के किसान, प्राधिकरण से बढ़े हुए मुआवजे को देने की मांग। दिल्ली के पटेल नगर में 66 साल के बुजुर्ग महिला की हत्या, वारदात के वक्त घर पर अकेली थी महिला।
महिला की धारदार हथियार से हत्या, घर का सामान बिखरा हुआ, पुलिस कर रही है जांच, हत्या के पीछे लूटपाट या साजिश। दिल्ली में एक कारोबारी ने दूसरे कारोबारी की बल्ले और डंडे से की पिटाई, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। पुलिस के मुताबिक दोनों कारोबारियों के बीच लेन देन को लेकर रंजिश, 25,000 कैश और चेन अंगूठी लूटे जाने का आरोप। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाला गैंग पुलिस की गिरफ्त में, मास्टरमाइंड गोविंदा का इंदिरापुरम इलाके में जिम। एमपी के देवास में पीएमटी परजीवाड़े में संदिग्ध छात्रों को ले जा रही पुलिस वैन हादसे का शिकार, पुलिस वालों समेत 26 घायल। पुलिस वैन में 29 लोग थे सवार, 13 छात्रों के साथ कुछ अभिभावक भी जख्मी। मध्य प्रदेश के पीएमटी फर्जीवाड़े में 500 मेडिकल छात्रों की गिरफ्तारी के आदेश, अकेले इंदौर में हैं 150 से ज्यादा छात्र। सागर, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा और भोपाल में भी धरपकड़ जारी, एसटीएफ कर रही है कार्रवाई। कांग्रेस का आरोप, मुख्यमंत्री का पीएफ फरार, सीएम निवास से मिले कॉल डिटेल, इस्तीफे की मांग। दिल्ली के अलीपुर इलाके में बारात निकलने से पहले एक साथ चार हत्याओं से सनसनी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। घर के दामाद सोनू ने पत्नी, साले और ससुर की गोली मारकर की खुदकुशी, चारों की मौके पर मौत। हरियाणा के यमुनानगर में निगम पार्षद से रेप की कोशिश, किसी तरह बचकर सीधे पहुंची पुलिस स्टेशन। वारदात के वक्त दफ्तर के केबिन में अकेली थी निगम पार्षद, बाहुबली नेता के भाई पर रेप की कोशिश का आरोप। अपना फोन लेके मेरे को फिर उल जुड़ू, फिर अपनी गंदी वीडियोस दिखाने लगा, जिसे मैं उसका फ़ोन उठा के फेंक दिया। मैं कहा सर आप ऐसी हरकत मत करो, मैं जा रही हूँ। जैसे जाने लगे इसने मेरा हाथ पकड़ा, हाथ मेरा मरोड़ उसने मुझे धक्का दे सोफे पे। फीफा वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर, चैंपियन स्पेन चिली के हाथों हार कर टूर्नामेंट से बाहर। चिली ने 2-0 से स्पेन को दी शिकस्त, सितारों से भरी स्पेन की टीम ने पहले हाफ में ही घुटने टेके। ऐतिहासिक जीत के बाद चिली के फैंस ने मनाया जश्न, दुनिया भर में स्पेन के चाहने वाले मायूस। वर्ल्ड कप से स्पेन के बाहर होने पर हर किसी को हैरानी, अमिताभ बच्चन और युवराज सिंह भी हैरान। नीदरलैंड्स का जीत का अभियान जारी, कड़े मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से धीमा।